नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। लक्सर के कलसिया गांव में खनन स्टॉक स्वामी ने सरकार के आदेशों को दरकिनार करते हुए रात के समय में अवैध खनन जारी रखा, जिसकी सूचना आसपास के लोगों द्वारा जिलाधिकारी हरिद्वार को दे दी गई। अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए आजकल जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश पारित किए हुए हैं, जिसके चलते जिलाधिकारी की ओर से खनन अधिकारी रवि नेगी को निर्देश जारी किए गए। निर्देश मिलने के बाद खनन अधिकारी रवि नेगी लक्सर नायब तहसीलदार लेखपाल खानपुर पुलिस सहित पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने प्रकरण की जांच की। जांच में शिकायत पूरी तरह से सही पाई गई है। मौके पर अवैध खनन करती एक जेसीबी मशीन को भी पकड़ा गया। देखिए, कलसिया में स्टॉक है हमारे पास खनिज भंडारण के, जिनमें शिकायतें मिल रही थी कि ये नदी के बंदे से माल चोरी करके ला रहे हैं, रातों रात सुबह सुबह भेज दे रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश प्राप्त थे कि मैं अगर कोई अनियमितता पाई जाती तो तत्काल कार्रवाई करें। इसी क्रम में आज एसओ थाना खानपुर भी आए हैं, तहसीलदार साहब वहाँ जाते हैं, तो हमने पाया है कि इनके यहाँ भंडारित जो माल है वो मटेरियल और जो इनके यहाँ इनके रिकॉर्डिंग स्तर पे देखा गया मटेरियल में अंतर है। इनके यहाँ जैसे ही पाई गई उसको सीज कर दिया गया और अग्रिम भंडार को भी सीज कर दिया गया। मुरादाबाद के भगतपुर गांव में 3 महीने बाद महिला का शव जिलाधिकारी के आदेश पर कब्रिस्तान से निकाला गया। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड के बरखेड़ा गांव निवासी महिला के परिजनों ने बताया है कि उन्होंने अपनी लड़की की शादी गांव भगतपुर निवासी युवक के साथ की थी। शादी के बाद से ही दोनों में अक्सर विवाद रहता था। अब से 3 महीने पहले लड़की के ससुराल पक्ष ने फोन कर बताया कि आपकी लड़की की मौत हो चुकी है, जिस पर सभी परिजन भगतपुर गाँव पहुंचे। वहां देखा कि लड़की को परिजनों के पहुंचने से पहले ही दफना दिया गया। इस बात को लेकर ससुराल पक्ष के लोगों पर शक हुआ और आला अधिकारी से इस बात की शिकायत की गई। मुरादाबाद डीएम के आदेश पर महिला के शव को प्रशासन की टीम की मदद से कब्र से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ये थाना क्षेत्र भगतपुर में एक महिला के संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। उस समय परिजनों के द्वारा किसी प्रकार का कोई एप्लीकेशन नहीं दिया गया था। बाद में उनके द्वारा यह आवेदन दिया गया कि उनकी पुत्री के दहेज के कारण हत्या की गई है। इस संबंध में थाना भगतपुर पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका था। चूंकि बॉडी का पंचायतनामा और पीएम होना था, तो जिला मजिस्ट्रेट महोदय की अनुमति से आज बॉडी को कब्र से निकाल करके पंचायतनामा के पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। सरोवर नगरी नैनीताल का सरलीताल से मोलीताल तक औचक निरीक्षण कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत ने किया। इस दौरान आयुक्त को कई जगह सफाई व्यवस्था से नाराजगी देखने को मिली। उन्होंने अधिशासी अधिकारी को चेतावनी जारी करते हुए सफाई अभियान चलाकर सफाई कराने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही कहा कि जो भी निर्माण सामग्री हो उसे 48 घंटे के भीतर हटाया जाए। नालों की सफाई करने के निर्देश भी दिए। नहीं, पंच पार्क का नहीं, मैं बेसिकली आज पूरे मॉल रोड को देख रहा था और उसमें मैं 4-5 चीज़ें देख रहा था। एक तो ये कि पालिका ने जो सफाई के लिए व्यवस्था बनाई है वो क्या है और कैसे उसमें काम किया जा रहा है। इसमें काफ़ी सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि अभी जो टाइम पीरियड है इसमें इस वक्त एक भी स्वच्छगण मॉल रोड पर नहीं है और काफ़ी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। दूसरा, बहुत जगहों पर चाहे वो सरकारी निर्माण सामग्री है जिसकी अब आवश्यकता नहीं है या फिर प्राइवेट निर्माण सामग्री है जिसकी आवश्यकता नहीं है। पौड़ी के श्रीनगर स्वीत गांव के एक सैनिक परिवार ने भूमाफियाओं पर उनकी जमीन कब्जाने और मारपीट करने का आरोप लगाया। पीड़ित परिवार ने डीएम से मुलाकात कर न्याय दिलाने की मांग की है। मंगलवार को श्रीनगर के स्वीत गांव के आशा रावत लक्ष्मी रावत ने डीएम पौड़ी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने डीएम को बताया कि क्षेत्र के एक भूमाफिया द्वारा उनकी जमीन कब्जाने का प्रयास किया जा रहा है और कहा कि विरोध करने पर भूमाफिया द्वारा उनके साथ मारपिटाई भी की गई है। में जो है एक परिवार में 4 भाई थे। 4 भाइयों में से 3 भाइयों ने अपना ज़मीन बेच दिया है। जो चौथे भाई हैं उनका उस ज़मीन को लेकर आपस में कुछ विवाद है, जो उस ज़मीन पर अपना कब्जा बताना चाह रहे हैं, बट उनके पास में कोई अभिलेख नहीं है। उसके अभिलेख के अभाव में वहाँ पर पैमाइश करना या उसका नपत करना संभव नहीं हो पा रहा है। हमने दोनों पक्षों के बीच में SDM को भेज कर, तहसीलदार को भेज कर वहाँ पर पैमाइश करने के लिए उनको बता दिया है कि वो एक बार जांच कर लें
लेकिन जब तक उनका बंटवारा नहीं कर पाएंगे, जब तक उनका सही ढंग से उसको नपत नहीं कर पाएंगे, तब तक कोई निर्णय करना संभव नहीं हो पाएगा। उनको अवगत करा दिया गया है और जहां मौके पर मारपीट हुआ है उसको देखते हुए संबंधित थाना अध्यक्ष को उसमें FIR दर्ज करने के लिए निर्देश दिया है, नहीं उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बाजपुर गोलीकांड मामले में फरार चल रहे कांग्रेस के पूर्व सचिव अविनाश शर्मा की कोर्ट में सरेंडर करने की सूचना पर कोर्ट के बाहर सुबह से ही भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। इसके साथ ही कोर्ट परिसर में सादी वर्दी में भी पुलिस के जवान तैनात रहे। इस दौरान हर आने जाने वाले की गाड़ियां भी चेकिंग की गई है। वहीं पुलिस ने अधिवक्ताओं की भी गाड़ियां चेक की, जिस पर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने नाराजगी जाहिर की। उधर पुलिस इसे सामान्य चेकिंग बताती नजर आई। इस प्रकार की गतिविधियाँ यहाँ पे आपराधिक प्रकाश में आई, जहाँ पे लोग पेशी पे जब मिलिंग आते हैं उनके साथ उनको भगाने या उनके साथ कोई आपराधिक कृत्य करने के उद्देश्य से यहाँ पर पहले भी आपराधिक लोगों का आना प्रकाश में आया है। तो उसी के दृष्टिगत यह रैंडम चेकिंग की जा रही है यहाँ पे रूटीन चेकिंग, और जिसमें जो हमारे यहाँ पर काफ़ी लोग लोगों का वेरिफिकेशन है या नहीं, यहाँ से जो लोग आता कि यहाँ कोई छिटपट लगा रहे हैं, इन सब चीज़ों का रूटीन नहीं है। ये तो रूटीन चेकिंग हो रही है फिलहाल उसमें, अगर ऐसी कोई चीज़ आती है प्रकाश में तो उसको भी कर रहे हैं, उसमें प्रयास चल रहे हैं, हमारी टीमें लगी हुई हैं और जल्द जो जो बचे हुए हैं उनकी भी जल्द अरेस्ट करेंगे। संत कबीर नगर की नगर पालिका परिषद खलीलाबाद में लोग जाम की समस्या से जूझ रहे हैं। वजह है सड़कों पर पटरी व्यवसाय से लेकर दुकानदारों का अतिक्रमण। इसी मुद्दे पर न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए नगर पालिका परिषद खलीलाबाद के ईओ सुरेश मौर्य से खास बातचीत की, तो ईओ ने एक हफ्ते में अतिक्रमण के खिलाफ बाबा का बुलडोजर चलाने और पार्किंग बनवाने की बात कही है। देखिए, जो शहर का कंसेप्ट होता है वो यही होता है कि जहाँ भीड़ भाड़ हो, जहाँ पर सारी सुविधाएं हो, मार्केटिंग की व्यवस्था हो, तो उसी को एक शहर कहा जाता है। क्योंकि शहर में सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं तो होता क्या है कि आसपास के लोग, गांव ग्राम के लोग जो है आ करके अपनी जो भी खरीदारी करना होता है तो करते हैं, जिसके कारण चूँकि आजकल जो है हर घर में या अधिकांश लोगों के पास जो है फोर व्हीलर कार की व्यवस्था है तो अधिकाधिक मात्रा में गाड़ियां आ जाती हैं। शहर में खास करके जो शहर का मेन भाग होता है वहां कोई पार्किंग की जल्दी व्यवस्था नहीं हो पाती है। आगरा विकास भवन के सभागार में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक। आगरा ग्रामीण विकास विधानसभा से जुड़े विकास कार्यों पर चर्चा की गई। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य अधिकारियों को दिशा निर्देश देती हुई नजर आई। मंत्री ने विकास कार्यों की जानकारी दी। CDO और मनिक नंद, SPCT विकास कुमार, CMO अरुण कुमार श्रीवास्तव, प्रतिनिधि यशपाल राणा यहाँ पर मौजूद रहे। देखिए, सबके सहयोग से ये तय किया गया था कि सभी धर्मगुरुओं से बात की जाएगी और जो जिस जहाँ भी अतिरिक्त संख्या में लाउड स्पीकर लगे हैं या मानक के अनुसार नहीं लगे हैं उन्हें उनकी सहमति से उतरवाया जाएगा। तो पूरे जनपद में अभियान चलाया गया और सभी धर्मगुरुओं से बात कर 232 लाउड स्पीकर अभी तक हम लोगों ने उतरवाए हैं और करीब 600 लाउड स्पीकर्स की जो है ध्वनि कम कराई है। मानक सुप्रीम कोर्ट के जो मानक हैं वो दिन में और रात में अलग अलग हैं, लेकिन मेरा अपना सीधा सीधा ये मानना है कि जो परिसर है जहां लाउड स्पीकर लगा है उसके बाहर उसकी ध्वनि नहीं आनी चाहिए। ईद के मौके पर ताज महल की मस्जिद में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और नमाज के बाद उन्होंने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। साथ ही नमाज के दौरान देश में अमन और चैन के लिए दुआएं मांगी। तो देश भर में ईद की धूम चारों तरफ नजर आ रही है। हर ओर बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा करते हुए भी नजर आए, साथ ही साथ
गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाई दे रहे हैं। साथ ही साथ कई जगह से ऐसी भी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर आपसी सौहार्द लगातार दिखाई दे रहा है। कोरोना काल के दो साल बाद ईद उल फितर की नमाज ईदगाहों में अदा की गई, लेकिन मंगलौर में ऐसा नहीं हो पाया। यहां इस बार भी नमाजियों को ईद की नमाज ईदगाह में नहीं बल्कि कस्बे के इंटर कॉलेज में अदा करनी पड़ी। लोगों ने सौहार्दपूर्ण माहौल का परिचय देते हुए शांतिपूर्वक नमाज अदा की और अपने अपने घरों को लौट गए। दरअसल ईदगाह के करीब एक रबछाया है जिसका बांध टूटने से ईदगाह में पानी भर गया। ये हादसा था या किसी की शरारत, ये तो जाँच का विषय है, लेकिन ईदगाह में पानी भर जाने के कारण प्रशासन के हाथ पाँव फूल गए हैं। सरोवर नगरी नैनीताल में ईद धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। ईद का पर्व दो साल से कोरोना के चलते सादगी के साथ ही मनाया गया था। नैनीताल में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करते हुए सभी धर्म के लोग एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हुए नजर आए। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।